यहाँ पर मेरा एक वीडियो है जिसपे दोस्तों 1,44,000 व्यूज है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम है तो क्या दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप दूसरे किसी का कंटेंट अगर आप अपने चैनल पर यूज करते हैं तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों यूट्यूब दे देता है कॉपीराइट क्लेम। या मान लीजिए कोई भी वीडियो आप अपने चैनल पर यूज किए हैं दूसरे किसी का, तो दोस्तों उस वीडियो का या उस सॉन्ग का जो ऑनर होते हैं वो दोस्तों आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या दोस्तों अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम रहेगा तो आपका मोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा, वो पूरे डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और हाँ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपके सामने यहाँ पर पूरे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि क्या दोस्तों अगर चैनल पर कॉपीराइट क्लेम रहेगा तो क्या आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर बगल साइड में देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम अपना YT स्टूडियो ओपन करते हैं और इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरे प्रूफ के साथ दोस्तों आपके पूरे जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर दूंगा कि अगर आपके चैनल पर कितना वीडियो पर दोस्तों कॉपीराइट क्लेम रहेगा तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन करते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं हम जैसे ही अपना YT स्टूडियो ओपन किया है तो हमारे चैनल पर यहाँ पर 12,000 से अधिक सब्सक्राइबर है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये हमारा चैनल मोनेटाइजेशन भी हो गया है और यहाँ पर कुछ डॉलर भी बन रहा है जो कि आप यहाँ पर बगल साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चले जाते हैं हम अपने कंटेंट वाले ऑप्शन पर। ठीक है गाइस, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अब जैसे ही हम कंटेंट वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो इधर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जितना भी हमारा वीडियो है इस पे दोस्तों क्या कॉपीराइट है, नहीं है। और दोस्तों मैंने इस चैनल को कॉपीराइट क्लेम पर भी दोस्तों मोनेटाइजेशन कराया हूँ, वो आपको पूरे प्रूफ के साथ दोस्तों इस वीडियो में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो मेरा वीडियो है वो दोस्तों अभी मेरे वीडियो पर उतना अच्छा खासा व्यूज नहीं जाता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 22, 59, 27, 32, मतलब ऐसे दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल पर रेगुलर व्यू जाता है। तो इससे दोस्तों मेरा अभी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था, जबकि दोस्तों आपको पता होगा कि एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन कराने के लिए आपको अपने चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे की क्राइटेरिया का दोस्तों कंप्लीट करना होता है, तब आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब मोनेटाइजेशन करता है, तब दोस्तों आप यूट्यूब से पैसा कमाने लायक रहते हैं। लेकिन दोस्तों इस चैनल पर मेरा 4,000 घंटा कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी मैंने दोस्तों इसको मोनेटाइजेशन कराया था दोस्तों एक वीडियो से, उस पर कॉपीराइट क्लेम था, वो भी दोस्तों आपको दिखाने वाला। और हाँ दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम है तो आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइजेशन कर ही देगा, नहीं दोस्तों यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइजेशन नहीं भी कर सकता है। दोस्तों उसमें कुछ आपको यहाँ पर समझना होगा, दोस्तों अगर आपको गलती आप अपने चैनल पर करते हैं तो आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम भी रहेगा दोस्तों, फिर भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ज़्यादा वीडियो को लंबा न करते हुए दोस्तों चलते हैं मेन मुद्दे पर। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम चले जाते हैं उस कॉपीराइट क्लेम वाले वीडियो पर, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट पर क्लिक करते हैं और मोस्ट पॉपुलर में जाते हैं जो कि दोस्तों उस वीडियो पर हमें ज़्यादा व्यूज गया है। और दोस्तों आपको पता होगा कि जब यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइजेशन करता है तो दोस्तों जो आपका जो चैनल का सबसे जो पॉपुलर वीडियो गया होगा ना उसी को दोस्तों सबसे ज़्यादा चेक करता है और उसी पर देखता है कि मान लीजिए किस वीडियो से आपका कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा है। जिस वीडियो से मान लीजिए आपका ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ा होगा और सब्सक्राइबर बढ़ा होगा उसी वीडियो को दोस्तों यूट्यूब चेक करता है कि क्या इस वीडियो में क्या बताया इन्होंने, कहीं दूसरे किसी का तो कॉन्टेंट यूज नहीं किया है। दोस्तों अगर पता होगा आपको कि अगर आप दूसरे किसी का कॉन्टेंट डाउनलोड करके आप अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो 10 साल, 5 साल, 15 साल दोस्तों कितना सालों तक आप अपने चैनल पर मेहनत कीजिएगा फिर भी दोस्तों यूट्यूब आपको 1 रुपया भी नहीं देता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले यूट्यूब पर आपको खुद का कॉन्टेंट अपलोड करना होता है। फिर भी दोस्तों आपको देखिए मैंने क्या किया था, आप यहाँ पर बगल साइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा इस चैनल है जो कि दोस्तों यहाँ पर एक ईयर में 1,44,000 व्यूज गया है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि दोस्तों मेरा चैनल का सबसे जो मोस्ट पॉपुलर व्यूज है वो दोस्तों यही है। अब चलिए इस पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें मोनिटाइजेशन ऑफ है और दोस्तों इस पर कॉपीराइट क्लेम है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों इसको लेकर, जी हाँ दोस्तों इसको लेकर मैं अपने चैनल को मोनिटाइजेशन कराया हूँ। अभी इस वीडियो से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ होगा
अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर तो ये 119,000 व्यूज गया है, तो इसे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बगल साइड में देख सकते हैं, हम इस पर क्लिक किया है तो दोस्तों इसका पूरा एनालिटिक्स दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इस वीडियो पर कितना वॉच टाइम बढ़ा है, यहाँ पर 3000, और ये दोस्तों अब जाके 3000 वॉच टाइम बढ़ा है, पहले इतना नहीं था। और यहाँ पर देखिए अब दोस्तों मेरा चैनल का जो मोस्ट पॉपुलर व्यूज है उस पर दोस्तों 144,000 व्यूज गया है। अब चलिए इसका हम एनालिटिक्स दिखाते हैं। तो दोस्तों इसके एनालिटिक्स में जाते हैं तो दोस्तों इस पे 144,000 व्यूज है और गाइज यहाँ पर 1500 वॉच टाइम है, आप यहाँ पर बगल साइड में देख सकते हैं। अब दोस्तों इसी को लेकर मैंने कैसे मोनिटाइज करा लिया, तो दोस्तों वो बताता हूँ। देखिए कॉपीराइट रहता है ना तो आपका चैनल मोनिटाइजेशन होगा, लेकिन दोस्तों उसमें अपना खुद का कॉन्टेंट दोस्तों कुछ होना चाहिए। मान लीजिए जैसे कि ये मेरा डांस वीडियो है, और डांस वीडियो दोस्तों आपको पता होगा कि खुद का गाना तो मैं बना नहीं सकता, तो दूसरे किसी का गाना पर यहाँ पर डांस किया हूँ, जो कि यहाँ पर पवन सिंह का सॉन्ग है लाल घाघरा, तो इसी पर मैंने यहाँ पर डांस कर दिया। अब दोस्तों पता होगा कि अगर आप किसी का सॉन्ग अगर आप अपने वीडियो में यूज करते हैं तो दोस्तों उस सॉन्ग का जो ऑनर होता है वो आपको यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम दे देगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता होता है कि दूसरे किसी का कमाया हुआ आप नहीं खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सेम यूट्यूब पर है। मान लीजिए दूसरा कोई मेहनत कर रहा है और आप उसका कमाई खाएंगे, दोस्तों ऐसा यूट्यूब कभी भी नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लाल घाघरा गाना का जो ऑनर है वो यहाँ पर हमें कॉपीराइट क्लेम दे दिया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आपको कुछ कंटेंट इसमें रहना चाहिए। मेरा यहाँ पर मान लीजिए उसका तो सॉन्ग मैंने यहाँ पर यूज किया है तो उससे मेरे यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम आ गया है, बट दोस्तों इसमें मैंने अपना क्या कंटेंट यूज किया है, डांस किया है मैंने। तो इस तरह दोस्तों यूट्यूब आपके चैनल को एकदम फाइल से दोस्तों एकदम कोई भी रीजन नहीं देगा दोस्तों, और आपका चैनल एकदम मोनिटाइज कर देगा दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह दोस्तों अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम भी रहेगा ना, फिर भी दोस्तों आप अपना चैनल मोनिटाइजेशन करा के आप यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं। बट दोस्तों एक बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम है तो उस वीडियो पर, मान लीजिए जिस वीडियो पर आपका कॉपीराइट क्लेम है ना, उसमें आपका कुछ ना कुछ फेस वैल्यू होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए दूसरा किसी का वीडियो है तो आपका वॉइस होना चाहिए, अगर दूसरा किसी का वॉइस है तो आपका वीडियो होना चाहिए। इस तरह दोस्तों यूट्यूब आपके चैनल को मोनिटाइज करेगा, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपको पूरा देखने के बाद दोस्तों अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।